KA02 बैंगलोर कर्नाटका से ये कार आई है, काफ़ी दूर है हमारे यहाँ से और मेरे कर्नाटका बैंगलोर के काफ़ी सारे वीडियोस हैं। मैं ये वीडियो जो है किलोमीटर से स्टार्ट करना चाहूँगा। दोस्तों आप चेकआउट कर सकते हैं, 1100 किलोमीटर चली है ये कार, यानी जहाँ वो रहते हैं और मेरा जो डिस्टेंस है वो 1100 किलोमीटर है। कार घर पर भी नहीं गई है, कार तो घर पर तब जाएगी जब आप क्रेटॉन में अपग्रेड करोगे। तो मैं प्राउडली प्रेजेंट करना चाहता हूँ क्रेटॉन इन वाइट कलर दोस्तों फ्रॉम कर्नाटका। क्रेटॉन मेरा काम नहीं है, क्रेटॉन मेरा पैशन है दोस्तों, और वो पैशन दिखता है, हर कस्टमर को दिखता है मैं ये क्या चीज़ प्रेजेंट करता हूँ। द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार, 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील हमने इंस्टॉल किए हैं दोस्तों। जब से ये क्रेटॉन की सीरीज हमने स्टार्ट की है, अभी 17 हो गए पुराने, 17 लगते हैं छोटे छोटे, अब परफॉर्मेंस चाहिए, लुक चाहिए, स्टैंड आउट चाहिए, तो ये अलॉय व्हील आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों ये अलॉय व्हील का असली स्टैंड आउट कब है, जब साइड की गन मेटल कलर की स्किड प्लेट इंस्टॉल होती है। जेन्युइनली बोलता हूँ, ये स्किड प्लेट बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है लुक और एक स्टैंड आउट के लिए। और ये जो अलॉय व्हील आते हैं ये भी गन मेटल कलर के आते हैं, ब्लैक नहीं आते, तब जाके तो एक लुक अलग ही आता है। ये कार हमने ड्यूअल टोन की हुई है, हाई ग्लॉस पीपीएफ हमने ये कार के अंदर की है। वाइट कलर की कार, क्रेटॉन, और वो भी ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन, एक नेक्स्ट लेवल लुक आता है। साइड के जो है नाइट एडिशन के पैनल भी हम रिप्लेस करते हैं, तब जाके इसका असली मजा आता है ड्यूअल टोन का। रियर प्रोफाइल ऑफ द कार में जेन्युइन शार्क फिन एंटीना विद द एफएम 100% वर्किंग के साथ इंस्टॉल किया। ट्रियो टेल लाइट्स भी हमने इंस्टॉल की हुई है ये कार में। इसके पार्किंग मोड्स ब्राइटर और ब्रॉडर आते हैं, और रियर की स्किड प्लेट्स भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की हुई है। दोस्तों स्किड प्लेट मतलब जेन्युइन, स्किड प्लेट मतलब लुक और एक स्टैंड आउट। फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार दोस्तों, अगर इतना धूम धड़ाका इतनी दूर के A02 से आई है तो ट्रियो हेडलाइट्स भी इंस्टॉल होगी। इसके DRL काफ़ी ब्राइटर आते हैं, एक स्टैंड आउट एक नेक्स्ट लेवल का आता है। फ्रंट की ग्रिल भी हमने इंस्टॉल की हुई है ये कार में, और फ्रंट बैक और साइड की जेन्युइन गन मेटल कलर की स्किड प्लेट्स भी हमने इंस्टॉल की हुई है। और थैंक यू दोस्तों, क्या कमेंट्स और क्या फ़ोन करके आपने अप्रिशिएट किया जो मैंने एडक के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, इसे बंद मत कीजिए। अगर कंपनी ने कोई चीज़ दी है तो बहुत सोच समझ के आपको दी हुई है, तो थैंक यू दोस्तों, इसी के लिए मैं हर वक्त आप लोगों के बारे में सोचता हूँ। साइड में एक 5 सेकेंड एक लुक तो देखिए, 18 इंचेस साइड स्किड प्लेट ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन, आउटर हैंडल्स चारों भी हमने रिप्लेस किए हैं, ये कोई स्टिक ऑन हैंडल्स नहीं है। ये कार के अंदर जो हमने सीट कवर्स इंस्टॉल किए हैं प्योर लेदर के, स्टैनली के हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं, स्टैनली के आते हैं विद द स्टैनली नेम के साथ, आपको प्रिंटिंग आएगी इसके अंदर। लेकिन दोस्तों जो प्योर लेदर है ना, ये दिखाने के लिए नहीं है, ये फील है, ये खुद के लिए कस्टमर्स इंस्टॉल करते हैं। स्टेयरिंग ऑडियो और क्रूज कंट्रोल भी हमने ये कार में SX ऑप्शनल का ही इंस्टॉल किया हुआ है। ये कार के अंदर जो प्लेयर हमने इंस्टॉल किया है सेंटा रोजा 985 10.1 इंच का। अब दोस्तों नो नीड फॉर द चाइनीज 360 ब्रांड आ चुका है। जो हमने कैमरा भी हमने इंस्टॉल किया है ब्लॉपंग का ही, पैनोरामिक वाला हमने इंस्टॉल किया हुआ है दोस्तों। एक मैं बोलूँगा चीज़ अलग ही है, विद द वायरलेस एप्पल कारप्ले के साथ आपको आता है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है दोस्तों ये वाली जो हमने इंस्टॉल की हुई है ये कार के अंदर। चारों डोर्स में हमने एक्टिव एम्बियन लाइटिंग भी ये कार के अंदर इंस्टॉल की हुई है। ओनर ऑफ द कार हमारे साथ हैं, आइए सर। सर मैं क्रेटॉन सीरीज, गेस द मॉडल, नाइट एडिशन सब बताता रहता हूँ दोस्तों। एक काम के लिए इतना दूर बैंगलोर के A02 आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं हर वक्त जो भी सजेशन देता हूं कस्टमर के बारे में ही सजेशन देता हूं। और यस, ये कार भी हमने पाँच से छः घंटे में अपग्रेड कर दी है। सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? नो वर्ड्स एट ऑल।
अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कर्नाटक से, गुलबर्ग से आए हम एक्चुअली, बेंगलुरु डिलीवरी लेके सीधा इधर ही आपके पास ही आए। मैं बोला था जैसे कि घर पर भी नहीं है कार, बेंगलोर से इनका डिलीवरी ली और डायरेक्ट हमारे पास आए हैं, अब जाएगी घर पर गाड़ी क्रेटॉन बन के। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसा रहा सर एक्सपीरियंस? मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि चेंज होगा गाड़ी में, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक टॉप एंड से भी बढ़कर एक्चुअली। सो वी आर मोर देन हैप्पी, जितना इमेजिन करके आए थे उससे अच्छी दिख रही है गाड़ी। हाउ इज द टीम वर्क? टीम वर्क से अच्छा, आपने लोग इतने सारे लगाए काम को, तो एक दिन में इतना सारा काम करना इम्पॉसिबल है, तो आपने एक दिन में हमें गाड़ी डिलीवरी दे दी सब कुछ ठीक से करके, क्वालिटी चेक करके, तो दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल। जो आप टाइमिंग लिए थे चैलेंज के साथ वो कंप्लीट कर दिए, बहुत खुशी हुआ हमारे को। बहुत लॉन्ग जर्नी करके आए, सैटिस्फैक्शन फुल्ली 100%। यू आर नेक्स्ट लेवल टू द DC। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। रोनित, हम इतने दूर से आए हैं लेकिन लगा नहीं था कि इतने जल्दी हो जाएगा, लेकिन उससे भी जल्दी हो गया। जो तनवीर भाई ने जो अटेम्प्ट करते हर एक वीडियो में, वो कस्टमर्स को उन्होंने खींचे जाता है, ऐसा खींचे जाता है जो उनके पास मैग्नेटिक कुछ तो है बोले जैसा कस्टमर्स को खींचते हैं उन्होंने। यू आर द अल्टीमेट। सर खींचने का नहीं है, अगर मैं आपके बारे में सोचूंगा, मैं जेन्युइन चीज़ें प्रोवाइड करूंगा तो आदमी आएगा। अगर मैं अपने बारे में सोचूंगा मैं आफ्टर मार्केट ये दूंगा वो दूंगा वो दूंगा तो कोई नहीं आएगा। मार्जिन कम रहेगी चलेगा, लेकिन कर्नाटक का जाके थैंक यू के लिए फोन आना चाहिए कि क्या गाड़ी बनाई। और क्रेटॉन कोई पलट के ना देखे ऐसा हो ही नहीं सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरे बैंगलोर के एक ग्रुप पर काफ़ी सारे वीडियोस है। सर बोलना आसान है, इतना दूर ट्रैवल करके आना, रेनी सीजन का टाइम है, ये मेरा पैशन नहीं है, ये आप लोगों का भी पैशन है, तब जाके ये कार अपग्रेड होती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू रोनित, थैंक यू। ये स्माइल चाहिए एट लास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।